नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन असोका के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनोसिया असोका, जोनोसिया असोका या सारसा इंडिका, दोस्तों असोका को हम इन सभी नामों से जानते हैं। दोस्तों असोका प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और आदिकाल से हम इसे औषधि के रूप में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, और ख़ासकर फीमेल्स में, लेडीज़ में, मेंसेस इरेगुलरिटीज़ में, ल्यूकोरिया में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि असोका हमारे शरीर में असर कहाँ पर करती है, क्या करती है, उसके बाद मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा कि आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण होंगे तो आपको असोका लेना चाहिए, और लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी बीमारी में असोका लेना चाहिए और किस पोटेंसी में असोका लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में असोका क्या करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि असोका फीमेल मेडिसिन है और बच्चेदानी में असर करती है। दोस्तों मेंसेस इरेगुलर होते हैं, किसी को मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी को मेंसेस कम होते हैं, किसी का ड्यूरेशन कम होता है, किसी को होते ही नहीं है, एमनोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो इन सब बीमारियों में असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये यूट्रस को, आपके बच्चेदानी में असर करती है और ये सब बीमारी से आपको निजात मिलती है। दोस्तों असोका मानसिक तौर पे भी असर करती है और जो मानसिक थकान रहती है, जो हमें थकान लगती है उसको ठीक करती है, शारीरिक तौर पे भी जो थकान होती है उसको ठीक करती है। दोस्तों ये था असोका का एक्शन। दोस्तों अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ, लक्षण की तरफ। तो सबसे पहले हम मानसिक लक्षणों से बात करेंगे। तो जो असोका की फीमेल रहेंगी वो बहुत ही वेल बिहेव उनका रहेगा, उनका नेचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप उनसे कुछ बातें करेंगे और उनको कुछ बुरा लग जाएगा तो वो बहुत जल्दी रो देंगी, बहुत जल्दी वो मानसिक तौर पे थकने लगती हैं और साथ ही साथ उन्हें नींद आने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो सोचती रहती हैं अपने परिवार के बारे में, अपने बेटे के बारे में या अपनी बिटिया के बारे में, तो सोचना बहुत ज़्यादा सोचती हैं और जिसके कारण उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती। नेचर बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत जल्दी रो देती हैं, थोड़ा सा वीपिंग टेंडेंसी होती है। दोस्तों अब चलते हैं सिर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे सोचने के कारण सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जब मेंसेस होते हैं तो सिर के दर्द में आराम लग जाता है। दोस्तों सिर का दर्द पीरियोडिक होता है, मतलब आज होता है, फिर 10 दिन बाद फिर से होता है, फिर 10 दिन बाद फिर से होता है, एक माइग्रेन टाइप का हेडेक होता है, और जब आप नहाते हैं ठंडे पानी से तो आपका सर का दर्द आराम लग जाता है। दोस्तों सिर से चलते हैं आँखों की तरफ। तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, मतलब आँख आने में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका। अगर आपको आँख आती है और आँख बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और आँख से आंसू निकलने लगते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका। दोस्तों अगर आपको स्टाई होती है, यहाँ पर बिलौनी होती है और ख़ासकर अपर आईलिड में अगर आपको बिलौनी होती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका। दोस्तों अब चलते हैं नाक की तरफ। तो नाक आपकी बहुत ज़्यादा बहने लगती है, स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं और बार बार आपको सर्दी होती है। दोस्तों अब चलते हैं कान की तरफ। तो सर्दी के कारण आपके कान में प्रॉब्लम होती है और आपको अच्छे से सुनाई नहीं देता है और कान में बार बार इन्फेक्शन होता है। दोस्तों अब चलते हैं चेहरे की तरफ। तो अगर आप यंग गर्ल हैं और आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है और साथ साथ मेंसेस की भी प्रॉब्लम रहती है तो असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मीठा बहुत पसंद है, खट्टा बहुत पसंद है लेकिन दूध पसंद नहीं है तो असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर आपका पेट हमेशा ख़राब रहता है, आपको हमेशा उल्टी उल्टी सी लगती है और जब आप उल्टी करते हैं तो पीला सा बाइल निकलता है और इसके साथ आपको पेट दर्द होता है और खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती तो असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर आप फीमेल हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है और साथ में आपके मेंसेस इरेगुलर रहते हैं तो असोका कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों सो अब चलते हैं यूरिनरी सिस्टम की तरफ। तो अगर आपको UTI की प्रॉब्लम है, पेशाब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, बार बार निकल रहा है, पेशाब में थोड़ा सा ब्लड भी है,
आपको जलन भी हो रही है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका दोस्तों। अब चलते हैं मेल्स सिम्टम्स की तरफ, लक्षण की तरफ। तो अगर आपको ऑर्चाइटिस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर काफ़ी सूजन हो गई है और साथ ही साथ आपको दर्द रहता है और दर्द जो है वो नीचे की तरफ चला आ रहा है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अब चलते हैं फीमेल के सिम्टम्स की तरफ। तो अगर आपको मेंसेस ना होने के कारण सिर दर्द होता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका दोस्तों। अगर आप एक यंग गर्ल हैं और आपको सिर दर्द हो रहा है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका दोस्तों। दोस्तों मेंसेस जो हैं वो कम होते हैं और कम ड्यूरेशन के होते हैं, मतलब एक दिन या डेढ़ दिन का मेंसेस का ड्यूरेशन होता है और मेंसेस की जो ब्लीडिंग होती है वो भी कम होती है, तो असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप यंग गर्ल हैं और अभी तक मेंसेस नहीं हुए हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका दोस्तों। दोस्तों शुरुआत में जब मेंसेस होते हैं तो कभी कभी इरेगुलर हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपको ब्लीडिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमेशा नहीं कभी कभी, तो भी असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। मेंसेस के दौरान अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं, एंजियस हो जाते हैं, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका दोस्तों। अब चलते हैं ब्लड की तरफ। तो अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आपको एनीमिया है, आप जब चलते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है, काम करने में आपको प्रॉब्लम होती है, थकान लगती है, आपको एनीमिया है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका दोस्तों। अब चलते हैं दर्द की तरफ। तो अगर आपको कमर में दर्द होता है और ख़ासकर पीछे साइड नीचे साइड दर्द होता है, मेंसेस के दौरान दर्द होता है, मतलब डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम है, या मेंसेस के बाद भी दर्द होता है कमर में बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स लक्षण। अब चलते हैं कि हमें कौन कौन सी बीमारी में असोका यूज़ करना चाहिए और किस पोटेंसी में असोका यूज़ करना चाहिए। असोका आमतौर पे फीमेल मेडिसिन है और फीमेल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है, लाभदायक है दोस्तों। असोका को हमेशा मदर टिंचर में यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए और उसको जाके होम्योपैथिक शॉप से ले आइएगा। दोस्तों अगर आप फीमेल हैं और आपके मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, अगर आपके मेंसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपके मेंसेस कम हैं और कम समय के लिए होते हैं, तो असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। असोका मदर टिंचर आपको आधे कप पानी में, आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें असोका मदर टिंचर 20 बूंद डाल दीजिए और उस पानी को आप पी लीजिए। एक बार ऐसे ही सुबह करना है, फिर आधा कप पानी दोपहर में लेना है, फिर 20 बूंद डालना है, फिर पीना है, और एक बार ऐसा शाम को करना है। तो आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार पीना है। जो मेंसेस इरेगुलरिटीज़ हैं और जो मेंसेस कम हो रहा है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, और जो मेंसेस का टाइम है वो भी ठीक हो जाएगा, जो ड्यूरेशन है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो ब्लीडिंग है वो भी ठीक हो जाएगी दोस्तों। असोका हेडेक के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप यंग गर्ल हैं, आप पढ़ती हैं, आपको मेंसेस प्रॉपर समय पे नहीं आते हैं, सरदर्द बना रहता है, चिंता बहुत होती है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है असोका। असोका मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए दोस्तों। एमनोरिया के केस में अगर आपको मेंसेस नहीं होते हैं, खासकर यंग गर्ल्स में शुरुआत में एक दो मेंसेस होने के बाद बंद हो जाते हैं, तो असोका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए दोस्तों। असोका दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको कमर में दर्द रहता है, आपके शरीर में दर्द रहता है, थकान बनी रहती है और मेंसेस के दौरान दर्द ज़्यादा होता है, तो असोका मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए दोस्तों। असोका कब्जियत में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और मेंसेस भी नहीं होते, तो दोनों कंडीशन के लिए सिर्फ आप असोका यूज़ करिए मदर टिंचर में 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। असोका एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, मतलब जो आँख आ जाती है, आँख लाल पड़ जाती है, आँख से पानी निकलने लगता है, उस कंडीशन के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। असोका मदर टिंचर को आपको 10 बूंद आधे कप पानी में
दिन में 3 बार यूज़ करना है। और इसके साथ एक मेडिसिन और यूज़ करिएगा, यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिस थेटी, उसको 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करिए। तो ये थी अशोका। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।